जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आल मिस ज्ञान सर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के आपको इस वीडियो में आपको बहुत ही सी जानकारी बताने जा रहा हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में पांचों नाथ अघोरी का एक ऐसा प्रचंड मंत्र बताने जा रहा हूँ जिसका प्रभाव बहुत तेज है, क्योंकि बहुत लोग कमेंट किए थे और उन लोगों को जानकारी उन लोग कहे थे कि ऐसा कोई मंत्र बताइए जिससे भूत लगाने का विधान हो, मंत्र हो। यह जो मंत्र बताने जा रहा हूँ यह भूत को नेगेटिव ऊर्जा शक्ति की, चाहे भूत हो, प्रेत हो, मरी हो, मसान हो, जिन जिन्नाद, इन सभी को मार लगाने का मंत्र है। यह जो विधान है यह मंत्र से आप यदि किसी के शरीर में कोई भी प्रकार से यदि भूत प्रेत पिशाच हो, चंडाल हो, या कोई भी निगेटिव ऊर्जा की शक्ति हो उसके शरीर में हो, बहुत ज़्यादा लाख बार मंत्र प्रयोग करने के बाद में, प्रचंड काटन करने के बाद में भी वह ठीक नहीं हो रहा हो, तो तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप चौकी लगाते हैं, कोई ऐसा शैतान आ जाता है या भूत आ जाता है, जिन हो या जिन्नाद हो, पिशाच हो, कोई से भी हो, चाहे ब्रह्म पिशाच ही क्यों ना हो, इसके एक ही प्रयोग से उसको मार लगती है, उसको दंड मिलता है, जिससे वह शरीर में छोड़कर चला, जब तक उसके शरीर को छोड़कर चला नहीं जाएगा तब तक उसको मार लगेगा। इसके लिए अगर नहीं है, आप बार बार उसको काटन करके प्रयोग करके थक गए हैं, तो एक बार इसको प्रयोग कर दो फिर छोड़ दो। जब तक वो छोड़कर उसके शरीर से नहीं जाएगा, जब तक किसी शरीर से व्यक्ति हट नहीं जाएगा पूर्ण रूप से, तब तक उसको मार लगेगा। तो मार खाने के लिए कौन रहेगा? कोई नहीं रहेगा। आपने कई बार देखा होगा चौकी में किसी को भूत को मार लगाते हैं और उसको दंड देते हैं, इसको पकड़ लो, मारपीट करो, इसको ऐसे करो, वो करो, ऐसे उसका पूरा विधान होता है। लेकिन वो विधान नहीं है, तो एक सरल सी विधि को हर कोई कर सकता है। ऐसे मंत्र को अधिक ज़्यादा सीधे और जागृत नहीं करना पड़ता है, यह स्वयं सिद्ध मंत्र है। लेकिन इसको अधिक प्रभावी बनाने के लिए सबसे उत्तम है कि किसी भी अमावस्या या पूर्णिमा के दिन, ज़्यादातर अमावस्या कृष्ण पक्ष में इसको किया जाता है, पांचों रात अघोरी के मंत्र है, तो आप उनको एक दिन यह प्रक्रिया कर सकते हैं। किसी भी अमावस्या के दिन आप चले जाइए और उसमें पांच फूल, लाल कलर का फूल हो, सबसे पहले बंगला पत्ता, पांच प्रकार का बंगला पत्ता। बहुत लोगों ने प्रश्न किया था बंगला पत्ता होता क्या है। जब हम पान ठेला जाते हैं तो वहाँ पान खाते हैं, तो पान खाने में पूजा का जो पत्ता लगता है, पान खाते हैं, उसमें कपूरी पत्ता, बंगला पत्ता, मीठा पत्ता, तीन प्रकार होता है, उसमें से एक होता है बंगला पत्ता। उसको बोलिएगा पान ठेला में पूजा का, पूजा करना है उसके लिए पत्ता दीजिए, तो वो पत्ता दे देगा, खाने वाला पत्ता वैसी रहता है वो दे देगा। यदि बंगला पान नहीं मिलेगा तो आप इमरजेंसी में यदि नहीं है तो केले का पत्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं। तब आपको वहाँ पे बंगला पत्ता ले जाना है और उसमें लौंग इलायची कर देना है, पांच प्रकार की मिठाई कर देना है सभी में, और सभी पत्ता में एक एक फूल रख देना है। इस तरह पांच फूल रहेंगे, पांच प्रकार का मिठाई होगा, पंचमनी मिठाई रख करके आप उसमें पांच नींबू रख दीजिएगा और शराब। वहाँ पे होम धूप देने के लिए आप वहाँ पे इसमें भांग दे सकते हैं, या फिर ना हो तो बीड़ी या सिगरेट, इनको दे दीजिएगा वहाँ पे होम धूप की जगह में, और वहाँ पे जल दे दीजिएगा, सबसे पहले सब रख दीजिएगा। गणेश गुरु सरस्वती का ध्यान करते हुए, अपनी इष्ट देवी देवता कुल देवी सभी के ध्यान करते हुए रक्षा मंत्र पाठ कर लीजिएगा। उसके बाद में फिर पांचों नाथ अघोरी का आह्वान कर दीजिए, हे अघोरी पांचों नाथ अघोरी आप आइए, मैं जब यह कार्य करूँ एकदम पूर्ण कीजिए और मेरे हर कार्य को सिद्ध कीजिए। ऐसा कहते हुए आपको शराब का धार दे देना है और होम धूप देना है। होम धूप देना है मतलब कि कई लोग पूछते भी हैं, तो आप आग में जो होम देते हैं उसको होम बोला जाता है, और धूप हम लोग जो लोभान है, सराई धूप है, दशांश है, उसको धूप बोले जाते हैं। इसलिए होम धूप मतलब धूप का हवन करना, तो आग में इसे कर देना है, एक ही दिन कर देना है तो यह ठीक हो जाएगा। जो पहले से कार्य करते हैं इसको यह करना जरूरी नहीं है, जो मैं सामग्री बताऊँ वह कर देंगे तो अति उत्तम होगा, यह हो जाएगा। अब यह तो हो जाएगा आपका सिद्ध एक दिन का, जो नए हैं जो नहीं जानते हैं पांचों नाथ अघोरी का, तो ये सिंपल से है और बहुत प्रभावी है ना, इतना कि आप एक ही बार प्रयोग करेंगे तो आप देख लीजिएगा। ये हो गया। अब इसके बाद में प्रयोग कैसे करना है। जब भी किसी व्यक्ति को यदि किसी प्रकार नेगेटिव ऊर्जा है उसके शरीर में, अब आपके हटाने से नहीं हटा, उसको मार लगाना है, जिसने किया है या जहाँ से भेजा उसको पीटते हुए निकालना है सीधा। तब आपको एक जो अड़हुल का फूल लेना है, यानी कि मंदार का, लाल मंदार जो देवी माता में चढ़ता है, उनको ले लेना है। पहले उनको बैठा दीजिएगा, मैं इस शुरू से बता देता हूँ, पहले उनको बैठा दीजिएगा, उसके सामने में
अगरबत्ती जलाकर गणेश, गुरु, सरस्वती, इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता आप सभी का ध्यान करते हैं, मैं यह कार्य कर रहा हूँ, कार्य पूर्ण हो। हे पांचों नाता घोरी, आपके नाम से मैं यहाँ कर रहा हूँ, अमुक व्यक्ति है, इसका परेशानी दूर कीजिए, इसके शरीर में जो भी उसको दंड दीजिए, इतना आपको कहना है। अगरबत्ती रख देना है, आप होम धूप दे सकते हैं, वहाँ पर मंगला पत्ता, लौंग, इलायची, पाँच प्रकार की मिठाई जब भी और उत्तम है वह दे करके आपको वहाँ एक नारियल भी रख दीजिएगा। उसके बाद में उस फूल को लीजिएगा, उड़हुल का यानी कि लाल मदार का फूल ले करके उसको मंत्र से अभिमंदित करना है। तो आप इसको 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, सबसे उत्तम होता है 21 बार। 21 बार यदि उसको मंत्र पढ़ना है, फूक मारना है, मंत्र पढ़ना है, फूक मारना है, मंत्र पढ़ना है, फूक मारना है, वो छोटा सा मंत्र, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और पढ़ करके बस उसके शरीर से उतारा कर देना है, बस 3 बार, 3 बार उतारा कर देना है और बस जमीन में रख देना है। फिर देखना उसको 10 मिनट के बाद में उसको मार लगना स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत अचरज लगता है जब इसको प्रयोग करते समय। अब उसके बाद में यह होगा, उसको हो जाएगा, अगर उसी समय उसका आपको पता नहीं चला यदि मान लिया जाए तो भी कोई बात नहीं, उसका शरीर धीरे धीरे हट जाएगा, उसको अजीब से जो भूत है उसको धीरे धीरे हट जाएगा, वो व्यक्ति जिसको परेशानी है वो ठीक होने लगेगा। अब आप सोचेंगे हम सामान को क्या, उस सभी सामग्री लेकर के आपको निर्जन स्थान में या फिर चौरास्ता है वहाँ पर छोड़ दीजिए या फिर जल में प्रवाहित करा दीजिएगा। इसका एक छोटा सा प्रयोग है, ये बहुत प्रबल है। अब मैं बता दें इसका मंत्र किस प्रकार से है। मंत्र इस प्रकार है, पांचों नाथ अघोरनी के पुत, एक हाथ काती एक हाथ सूत, मारो काती पीले धूल, फूल फूल अड़हुल के फूल, ले फूल पकड़ भूत, भूत छिपो पकड़ में, आ देवता छिपो पर बोध ले, भूत बेताल छिपो तो भुसुक बांध दे के घाव, मेरे मुठ दुहाई बाबा पांचों नाथ के, अमुक के तन से मार भगा। इसी तरह यह मंत्र है, इसी मंत्र का आपको प्रयोग करना है और सिद्ध करना है। दोस्तों यदि ग्रामीण मंत्र स्वयं सिद्ध मंत्र है, यदि ये इसी तरह से जानकारी आपको ग्रामीण क्षेत्र के मंत्र सिद्धि के बारे में चैनल में जानकारी मिलता है, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल बेल का प्रेस करके आसन कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच सके। अब तक आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।